हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे गुलदाउदी के प्लांट के बारे में। एक बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट होता है। विंटर्स की शुरुआत में इसमें फ्लावर्स आते हैं, बहुत सारे अलग अलग शेड्स में इसमें आते हैं। मेरे पास ये रेड कलर वाला प्लांट है, इसमें बहुत सारी वैरायटीज भी आती हैं, बहुत सारे कलर्स आते हैं। इस प्लांट को ग्रो करना फ्रेंड्स बहुत ही इजी होता है, कटिंग से बहुत इजीली ग्रो किया जा सकता है, पब से भी डिवाइड होता है। ये प्लांट फ्रेंड्स मैं एक लाया था सिर्फ विंटर के टाइम पे, जब इसमें बहुत सारे फ्लावर्स खिले हुए थे। मदर प्लांट को तो मैं सरवाइव नहीं करा पाया, लेकिन उसके नीचे से बहुत सारे पब निकले थे। ये करीबन 5 से 6 पौधे हैं जितने भी मेरे पास ये लग रहे हैं, ये सारे मैंने उसके पब से डिवाइड किए हैं। और अब मैंने इसकी कटिंग्स भी लगाई हैं, ये देखिए कुछ इसकी तो मेरी चल भी गई है, ये वाली कटिंग जो मैंने लगाई थी थोड़े दिन पहले। अब ये नई नई कटिंग्स भी लगाई हैं, मेरे को भी इनकी भी उम्मीद है कि सारी चल जाएंगी। कटिंग से बहुत इजीली ग्रो करता है और मैंने एक पौधे से करीबन 10-15 पौधे बना लिए, तो बहुत इजी टू ग्रो है, आप भी ग्रो कर सकते हैं इसे। केयर फ्रेंड्स कुछ भी नहीं मांगता ज्यादा, इसको आप ओवर वाटर ना करें, बस ओवर वाटर करने से ये खराब होता है। इस पे देखिए इस टैग का थोड़ा पेस्ट का टैग भी हो जाता है, लेकिन अगर आप सोप का वाटर इस पे डाल देंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। ये देखिए कुछ ये वाला पेस्ट का टैग भी हुआ हुआ है इस पे, लेकिन अभी मैं सोप वाटर डालूंगा तो ये बहुत जल्दी हट जाएंगे सारे इस पे से। सॉइल हमेशा इसकी वेल ड्रेन रहनी चाहिए, ज्यादा अगर आप ओवर वाटर करेंगे तभी ये खराब होता है, वैसे तो खराब नहीं होता। लेकिन जो इसका मदर प्लांट होता है वो एक या दो बार ही फ्लावर करता है, इसलिए हमें इसके डिवाइड करके अलग प्लांट्स लाने चाहिए, क्योंकि अगर हम एक प्लांट ले आते हैं तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि दोबारा हमें वो प्लांट ना लाना पड़े नर्सरी से। तो मैं ये एक प्लांट लाया था, मुझे लगता नहीं है कि मुझे कभी इस प्लांट को लाना पड़ेगा दोबारा, जितने प्लांट्स मैंने इससे बना लिए हैं। और कटिंग से भी बहुत जल्दी ये मेरी बन जाएगी, और मैं इस वीडियो भी बनाने की सोच रहा हूँ कि मैं आपको दिखाऊँ कटिंग से कैसे ग्रो करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ से इसकी कटिंग की, ये देखिए यहाँ से, तो यहाँ से देखिए कितनी सारी न्यू स्टेम्स आने लग गई। एक कटिंग मैंने यहाँ से ली थी, तो ये देखिए यहाँ से मैंने कट किया, तो ये यहाँ से और यहाँ से ग्रो कर लिया। तो कटिंग करने से फ्रेंड्स प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता, उल्टा हमें इसकी कटिंग करते रहनी चाहिए ताकि इसमें बहुत सारी साइड ब्रांचेस आए, वरना ये प्लांट फ्रेंड्स लैगी सा हो जाएगा, एक ही ब्रांच रहेगी। देखिए मेरा कितना छोटा सा प्लांट है, लेकिन इसमें मेरे को 4 से 5 स्टेम्स मिल जाएंगी। जितने ज्यादा स्टेम्स होंगे फ्रेंड्स उतने ज्यादा फ्लावर्स भी आएंगे फिर फ्यूचर में। इंग्लिश नेम फ्रेंड्स क्रिसेंथेमम है इस प्लांट का नाम, हिंदी में और उर्दू में इसे गुलदाउदी कहते हैं, गुलशर्फी नाम भी है इसका। बहुत इजी टू ग्रो होता है। तो होप करता हूँ फ्रेंड्स इस प्लांट के बारे में ये वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।